उर्मिभाव, बंदर कैसे नाचेगा ये बात तो सिर्फ मदारी को ही पता होती है। हमने बताया था ना कि कौन सी करवट लेने से क्या होगा, परिणाम तुम्हारे सामने है। जी दाऊ जी, अब हमें समझ में आया कि आपने हमें सीधे घर आने से क्यों मना किया था, क्योंकि अगर हम सीधे घर आते तो सम्राट जी की असलियत घर वालों के सामने कभी आती ही नहीं। वो किसी तरह से चिल्लाकर अपनी बात मनवा कर सबको जस्टिफाई कर ही देते। बहू, अकल तुम्हें अच्छी है, मतलब इशारे समझने लगी हो। झुमकी, कल नाश्ते में ना दाल की कचौड़ी बनेगी, ठीक है? अच्छा ऐसा करते हैं, हम एक बार जेठ जी से पूछ लेते हैं, फिर तुम दाल भिगोना। हाँ जी, ठीक है। बेटा, अपनी पहली कोशिश में तुम कामयाब हुई हो, वेरी गुड। बेटा इसी तरह से आगे बढ़ो, हालात बदलने के लिए खुद का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है, और जो तुम हो बेटे, कॉन्फिडेंस तो तुम्हें है ही। पर इन सब का क्या फायदा था मुझे, आज इतना सब कुछ होने के बाद भी सम्राट जी ने कितना कुछ सुना दिया। आज तो सम्राट जी ने अपने ही नजरों में हमें एक नौकरानी से भी बदतर बता दिया। क्या नहीं कह गए वो हमारे बारे में। बहू, खिसियानी बिल्ली खंभा ही नोचेगी ना, शिकार हाथ से निकल गया तो म्याऊं म्याऊं करेगी और गुस्से से नाखून घिसेगी। जेठ जी को कचौरी खिलाएंगे तो एकदम से खुश हो जाए। एक बात याद रखो बहू, जो चीज जितनी कठोर होती है टूटने पे उतनी ही बुरी तरह बिखरेगी। बहू, अगर अहंकार को चोट लगेगी तो पागल सांड की तरह बौराएगा इंसान। पर बेटे, आज तुमने पागल सांड को बस सही अंदाज में हैंडल किया है। उसे टैकल करने का जो तरीका है ना तुम्हारा, सही है, गुड। बस उसी पे चलो और आज की जीत की खुशी मनाओ। जो बात तुम्हें चुभी है या गलत या नाजायज लगी है उसको अपनी अगली चुनौती की तरह मानो और उस पे विजय पाने का मौका और रास्ता तलाशते रहो। उर्मी यहां क्या कर रही है, फिर अपनी किसी गलती की माफी मांग रही है का? छटाक भर की हो तुम, अपने आप को क्विंटल मत समझो। वो सम्राट तुमको आईना दिखाता रहता है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तुमको। मेरे तमीज से काय नहीं रहती तुम। चलो जाओ यहां से, जाओ, खोपड़ी पर सवार मत रहो, चलो निकलो यहां से, जाओ आओ जाओ।
बेहया को इतनी डांट पड़ती है फिर भी सुधरती नहीं। लड़की तो अच्छी है दादी। देखा, हम कहे थे ना, हमारी पसंद की मोड़ी को कोई नापसंद कर ही नहीं सकता है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि गौरव को पसंद आ गई है। अब तो चट मंगनी पट ब्याह करके गौरव की बहुरिया को घर ले आएंगे। अदि लड़की अच्छी है लेकिन हम उससे शादी नहीं कर सकते। जेका दो फेरे वाली बात कर रहे हो गौरव? एक तरफ कह रहे हो कि लड़की अच्छी है, पसंद है, दूसरी तरफ ब्याह नहीं कर सकते, जेका बात हुई? हाँ गौरव बेटा, लड़की पसंद है तो शादी करने में समस्या क्या है? लड़की इतनी प्यारी है, अच्छी है, तो उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अरे तुम का बुरे हो गौरव, जो जे मोड़ी बिदक जाएगी। दादी हम काफी बड़े हैं उससे उम्र में, हमारी उम्र में और उसके उम्र में काफी अंतर है, उसे कोई हम उम्र का मिलना चाहिए, हमारे साथ शादी उसके लिए अन्याय होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो गौरव बेटा, उनको कोई ऐतराज नहीं है शादी से, वो तो तैयार है। और तुम बुढ़ाने गए हो समझे? और एक बात कहें कि लड़की अगर लड़के से उम्र में कम हो तो वही अच्छा होता है। हाँ? नहीं दादी, इस नियम से हम सहमत नहीं है। नहीं, हम पहले से ही शादीशुदा है, उसकी पहली शादी है तो इसलिए। काय फालतू बात कर रहे हो गौरव? यही सच है दादी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप लोग समझिए हम का कहना चाह रहे हैं, कल उठकर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। छोटी छोटी बातें आदमी को कभी भी नहीं, ये सही नहीं है बस। भैया आपको ये तो नहीं लग रहा है ना कि कहीं ये लड़की भी आपको छोड़कर चली जाएगी? हाँ, ऐसे ही कुछ है। कल उठकर अगर दो चार साल में उसे पछतावा हो और उसे कोई हम उम्र का लड़का मिल जाए तो। हम क्या करेंगे? जे भी चली जाएगी तो, और वैसे भी हम रिश्ते में जबरदस्ती नहीं चाहते, जबकि इस रिश्ते में हमें जबरदस्ती पूरी नजर आ रही है। नहीं गौरव, कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। देखो गौरव, जो हो गया सो हो गया, अपने अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य का फैसला मत करने दो, पॉजिटिव सोचो। पापा चाहे जो भी हो, हम जे शादी नहीं करेंगे बस। गौरव, हम इसकी बात नहीं मानने वाले। और इसने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है का? इसको मोड़ी पसंद है, बस इतना काफी है। हम इस मोड़ी से ब्याह करा के ही रहेंगे। बहू, ये तुम जो भी बनाती हो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो बेटा, लेकिन इतना स्वादिष्ट मत बनाया करो, नहीं खा खा के ना मेरी सेहत खराब हो जाएगी। यू नो, मतलब ओवर ईटिंग। अरे सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप आइए बस, ऑलवेज वेलकम। नहीं, आप आइए, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। जरूर, मैं वेट करूंगा आपका, मैं बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। ओके डन। हाँ, घर के सभी लोग हैं यहाँ पर? इधर आइए भाई, सारे घर वाले इधर आ जाइए। बहुत जरूरी बात करनी है आप सबसे। क्या हुआ भैया? क्या बात है, बैठो तो सही। बात यह है कि आज शाम घर पे डिनर करने मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। काम के लोग हैं ताऊ जी, अगर उनके साथ बात बन गई तो ये सोचिए साथ साथ दो दो जगह इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस बढ़ जाएगा हमारा। अच्छा? ओह ग्रेट, वाओ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर भैया, ये लोग वही एनआरआई लोग हैं ना जो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में सेटल हैं? ताऊ जी, इनके ना इटालियन रेस्टोरेंट्स की चेन है। Good. और
इनके साथ वहां अपने होटल के एक ब्रांच खोलने की बात भी चल रही है। वेरी गुड कीप इट अप। क्या बात कर रहे हो बेटा, इसका मतलब तुम्हारा मतलब कि हवा रेस्टोरेंट विदेश में भी खुलेगा है? तो अरे वाह, तब तो वर्ल्ड टूर हम आराम से कर पाएंगे। हाय, विदेश जाने का हमारा बड़ा मन था, और देवर जी वो तो उद्घाटन में हमें ले ही जाएंगे। आप हाथ जुड़वा लीजिए प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, मेहरबानी करके उनके सामने कुछ मत बोलिएगा प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उन्हें इंडिया छोड़े हुए काफी वक्त हो गया है, बहुत सालों बाद इंडिया वापस आए अपने पूरे परिवार के साथ। उन्हें वही इंडियन कल्चर, यहाँ की इंडियन फैमिलीज की वैल्यूज, रीति रिवाजों से बड़ा लगाव है। मुझसे कहने लगे, ताऊ जी कि हम आपके घर आना चाहते हैं सम्राट जी, इंडियन फूड इंजॉय करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके घर के सभी सदस्यों से मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा आइए भाई, ऑलवेज वेलकम। तो मैंने उन्हें इन्वाइट कर लिया आज शाम को। तो ध्यान दीजिएगा, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरी ये डील कैसे कंफर्म होगी मैं जानता हूँ। क्या है ना, बेसिकली ताऊ जी उन्हें हमारी जॉइंट फैमिली का आपसी प्यार, स्वागत सत्कार ये देखना है उन्हें, और उन्हें ये भारतीय रीति रिवाजों में कुछ देर खुद को फील करना है। वैसे एक बात नोटिस किया मैंने ताऊ, मतलब अपने बिजनेस को लेकर बड़े पर्टिकुलर है लोग, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, मतलब जिसके साथ काम करने वाले हैं पूरा पता लगाते हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसके साथ रहता है। इंप्रेस हो गया मैं तो ठीक है भाई, शाम को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भैया आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा, एकदम A1 क्वालिटी का खाना आएगा, और हमारे स्पेशल मेहमानों के लिए सब कुछ स्पेशल ही होगा। क्या क्या स्पेशल करोगे तुम है? हर बात में तुम लपलपाया मत करो, समझे? चिकचिकाई टाइप हो, बहुत चिकट आदमी हो तुम। इससे अच्छा तुम एक साड़ी खरीद के पहन लो, जनाना टाइप आदतें तुमने पाल रखी है, हर बात में कूदने की आदत है तुम्हारी, दाल भात में मूसर चल। भाई घर आ रहे हैं तो घर का ही खाना खिलाएंगे ना भैया, इसीलिए तो आ रहे हैं आखिर, और जहां भी तुम लाके उनको होटल का खाना खिलाओगे, मतलब आते ही पहले दिन उनको टोपी पहना दोगे। ये घर की सारी औरतें मर गई हैं का, या किसी होटल फोटल से कम अच्छा खाना बनता है इस घर में? सही बात ताऊ जी, बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। सम्राट जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब कर लेंगे। ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए सबके सब इस बात को। हाँ। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, A1 होना चाहिए मामला। हाँ हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे उनका, ठीक है? और वो 56 भोग फेमस होते हैं इंडिया के, जानते हैं आप लोग, वो बनवाइए फिर, ठीक है? बनेंगे ना? का? 56 भोग। हाँ बन जे हैं, बन जे 56 भोग, हाँ बना लें। हाँ। अमृत तुम आओ मेरे साथ, कुछ और अरेंजमेंट करने आओ। सारा काम कैसे होगा? वही तो माँ जी, 56 भोग बनाना कोई आसान काम नहीं है, जे काम करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। माँ जी, भाभी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी जल्दी पहले लिस्ट बना लेते हैं। हाँ भाभी हम लिस्ट बना लेते हैं, तब तक आप कुछ और कर लीजिए, हम देख लेते हैं कि किचन में क्या क्या मंगवाना है। हाँ।
कढ़ी के लिए बेसन भी कम है, एक पैकेट ही बहुत है, एक पैकेट बेसन, मूंग की दाल, मोठ 2 किलो। अच्छा तो बहू क्या बनाने की योजना है? लिस्ट तो बना ली है हमने ताऊ जी, बहुत कुछ बनाने की प्लानिंग है, और हम कुछ चीजें ऐसी बनाते हैं ताऊ जी जो हमारे अलावा दुनिया में हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बनाता। मेहमान भी जब हमारे हाथ का बना हुआ खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे। फिर देखिएगा साम्राज्य की डील फाइनल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाह, प्लानिंग तो शानदार सजाई है तुमने। आपको पता है ताऊ जी, हमारे मायके की कॉलोनी में सब कहा करते थे कि कुछ चीजें हम ऐसी बनाते हैं जो कोई नहीं बना सकता, और जब हमारी वाली रेसिपी वो बनाती थी तो हमें टेस्ट करने के लिए बुलाती थी, लेकिन वैसा बनता नहीं था, वो करेक्ट टाइमिंग ही नहीं आती थी ना। मतलब सम्राट सही कहता है, नौकरानी की तरह तुम हर काम करती हो, वो भी बिना पगार के, है ना बहू? ये हैसियत है तुम्हारी इस घर में, क्यों ऐसा क्यों कह रहे ताऊ जी? घर के कामकाज करने में कोई नौकरानी थोड़ी ना बन जाता है, वो तो सम्राट जी ने ऐसे ही गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कह दिया था। अच्छा भाई, जैसे भी कहा तो यही था, अब मजाक तो सम्राट करता ही नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और जो बातें सम्राट ने कही वो करेक्ट थी शायद, क्योंकि तुम वही सब करती हो, गलत नहीं है वो, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। हम ऐसा नहीं सोचते ताऊ जी, हमें अपना घर का काम करना अच्छा लगता है, और अगर हम अपने घर को नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा? तो इसको कहते हैं और ताना जज्बा। अरे कमाल का थॉट लेके चलती हो तुम, लात लताड़ सहते हुए भी अपना फर्ज निभाते जो। बेटा सोचो जरा कि सब करती हो उसके बावजूद सुनती हो, क्या कहते हैं उसे, कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, अपनी औकात में रहो। अपनी औकात मत भूलना, ओके? नौकरानी हो इस घर की, वही रहो। उस मेड से ज्यादा हैसियत नहीं है आपकी जिसे मैंने आज हायर किया था, उसे तो फिर भी पैसे देके बुलाया था, तो बिना पैसों के इस घर में नौकरानी से भी बदतर, नौकरानी से भी बदतर, नौकरानी से भी बदतर। बेटा जब अपनी औकात तुमने खुद ही नहीं समझी, अपना सम्मान खुद नहीं किया, दूसरों से काय उम्मीद लगा ली तुमने सम्मान की? बेटा क्लियर बात तो ये है कि जो अपना सम्मान खुद नहीं करता, दूसरों से सम्मान पाने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे है वैसे उसे नियति मान के जीना चाहिए, सही है ना? तुम्हारी फिलॉसफी तो यही कहती है ना कि करते जाओ करते जाओ। अब किसी को कद्र हो तुम्हारी या ना हो, तो करते जाओ। कद्र होगी भी किसी को तो कैसे,
जब करने वाले को खुद की कदर ही नहीं है। सोचो सोचो कैसे होगी कदर, कैसे एहसास होगा दूसरों को तुम्हारी अहमियत का। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।